आज हम आलू पालक की सब्जी को एकदम अलग अंदाज में बनाएंगे और बनके इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि हर कोई उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएगा, साथ ही में आपसे रेसिपी भी पूछेगा। तो चलिए आलू पालक की डिफरेंट सी सब्जी की पूरी देखते हैं रेसिपी। आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए दो बड़े चम्मच हमने तेल के लिए हैं, तेल को गर्म होने देंगे और एक चम्मच उसमें घी का भी ऐड कर देंगे जिससे कि घी की भी खुशबू आ जाए, और आधी चम्मच डाला जीरे का, साथ में आधी चम्मच डालेंगे अजवाइन का। अजवाइन हरी पत्तेदार सब्जियों में टेस्ट अच्छा देती है, और साथ ही में कुटी हुई काली मिर्ची एक चौथाई चम्मच, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। दो लौंग डाल देंगे और साथ में डालेंगे एक बड़ा चम्मच सौंफ का। सौंफ बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर देती है इस सब्जी को। और साथ में दो चम्मच मैंने कुटा हुआ लहसुन डाल दिया है, बारीक काट के डाल दीजिए। जो लहसुन नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं लहसुन को। अब हमने इसमें तीन मीडियम साइज़ के आलू छिलके समेत थोड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दिए। हमें आलूओं को ना थोड़ा सा फ्राई करना है, चाहे तो आलू बॉईल करके या फिर आलूओं को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच नमक डाल देंगे, साथ ही में इसमें हल्दी डाल देंगे करीब एक चौथाई चम्मच, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे। और हल्दी डालने के बाद आलूओं को अच्छे से नमक और हल्दी में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम आलूओं को ना फ्राई होने देंगे। आलू हम इस कम तेल में ही शैलो फ्राई कर रहे हैं, हल्का सा स्टर रोस्ट कर रहे हैं गोल्डन होने तक। तो देखिए गोल्डन होने तक आलू के ऊपर एक क्रिस्प सी लेयर आ गई है, तब तक हमने आलू को कढ़ाई में चला लिया। खीर आलू के साथ जो गार्लिक है उसमें भी बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर आ गया है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में आलू भी एकदम गोल्डन क्रिस्प हो गए। चलिए अब इसके अंदर हमने एक कप भर के टमाटो पेस्ट डाल दिया है। ये जो टमाटो पेस्ट है कुक्ड है, टमाटरों को आप करिए कद्दूकस, करीब तीन टमाटरों को, और उसको ऑयल में अच्छे से ऑयल रिलीज होने तक पका लीजिए। उसके बाद इसमें ऐड करिए, और दो मैंने हरी मिर्चें बारीक चॉप करके ऐड कर दी हैं। एक चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। मसाले भी हम ऐड कर लेते हैं। चलिए तो हम ऐड करेंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का, साथ में जाएगा एक चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, भुना जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी का, और जाएगा एक बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर, और साथ में जाएगा एक चौथाई चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर, और आधी चम्मच हम इसमें आमचूर का ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, कचरी पाउडर ऐड कर सकते हैं, अनारदाना पाउडर ऐड कर सकते हैं खटाई में, या फिर आप चाहें तो इमली भी, इमली का अगर पेस्ट है तो वो भी ऐड कर सकते हैं खटाई के लिए, बिल्कुल थोड़ा सा, आधी चम्मच से एक चम्मच तक, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खटाई में। चलिए अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक पंच पालक का, जो कि मैंने अच्छे से वॉश करके और चॉप कर दिया। पालक को मैंने एकदम बारीक चॉप नहीं किया, थोड़ा बड़ा चॉप किया है। आधी चम्मच इसमें मैंने नमक का डाल दिया पालक के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक के करीब दो मिनट के लिए स्लो आंच पे पालक में से मॉइस्चर रिलीज़ होने देंगे। तो देखिए अपने आप ही फिर पालक थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। उसके बाद हम आलूओं के साथ पालक को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये वाली आलू पालक की सब्ज़ी आप खा के देखिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी गजब टेस्टी लगती है। प्लस इसमें पालक का न्यूट्रिशन भी इंटैक्ट रहता है, बॉयल और ब्लांच करने से काफ़ी सारा जो पालक का न्यूट्रिशन होता है वो निकल जाता है। उसके बाद केवल 5 मिनट पकाना है। उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ धनिया मुट्ठी भर हमने ऐड कर दिया है, बहुत सारा, और देखिए मिनटों में ये सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही गजब टेस्टी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पार्टी रेसिपी है, जब आप खाएंगे घर में बनाएंगे तो काफ़ी रिच फ्लेवर्स आएंगे आपको इस सब्ज़ी के। तो आप इस सब्ज़ी को बिल्कुल इसी तरीके से घर में ज़रूर से ऐड करना। अगर आप चाहें तो ऑयल में शुरुआत में बहुत थोड़ा सा, आधी चम्मच के आसपास जो बेसन होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, रोस्ट कर लीजिए उसे भी, जिससे कि जो पालक का थोड़ा बहुत भी पानी रिलीज़ होता है वो बेसन जो है एब्सॉर्ब कर ले। मैंने देखिए तेज़ आंच पे चलाते हुए कंटिन्यूसली पालक का सारा पानी जो है वो इवेपोरेट करवा दिया है। तो देखिए सब्ज़ी एकदम ड्राई फॉर्म में आ गई है, बहुत ही गजब टेस्टी लगती है। आलू का छिलका अगर आप पसंद नहीं करते तो आप छिलका रिमूव कर सकते हैं, और आलूओं को चाहें तो आप बॉइल करके ऐड कर सकते हैं या फिर फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन शुरुआत में ऐड किया था, उसे बर्न्ड गार्लिक करने के लिए आप चाहें तो ऊपर से
गार्लिक को थोड़े से तेल में बड़ा बड़ा काट के फ्राई करके भी ऊपर से तड़का देके सब्जी को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से घर में ज़रूर से ये सब्ज़ी ट्राई करना मैं रेकमेंड कर रही हूँ। अगर आपने ये सब्ज़ी ट्राई नहीं करी तो सच में आलू पालक की एक बहुत ही एक्सट्रीमली टेस्टी और मिनटों में जल्दी से बन जाने वाली सब्ज़ी, सीज़न की सब्ज़ी विंटर्स की, आप मिस कर देंगे। तो घर में ज़रूर से ट्राई करिए और मुझे बताना कि आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो घर में रेसिपी को ट्राई करने के बाद ही मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करके मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आज हम कुकर में बन जाने वाले आलू मटर मेथी पुलाव बनाएंगे, जो कि खाने में इतने ज़्यादा स्वाद लगते हैं कि इसे अगर आप एक बार बना लेंगे तो गारंटेड आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि एक तो ये बहुत ही हेल्दी है, दूसरा ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। जब कुछ समझ में ना आए कि आज क्या बनाएं तो हम बनाते हैं मेथी पुलाव या आलू मटर पुलाव। तो देखते हैं इस आलू मटर मेथी पुलाव की पूरी रेसिपी। कुकर में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के साथ इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का भी ऐड करेंगे, पुलाव में घी का फ्लेवर अच्छा लगता है। 1/2 चम्मच राई मस्टर्ड सीड्स, इसे अच्छे से तड़का लेंगे। 1/2 चम्मच जाएगा इसके अंदर जीरे का, क्यूमिन सीड्स का, और साथ में सिनेमन स्टिक डाल दी, दालचीनी का टुकड़ा, बे लीफ डाल दिया है, 2 मैंने हरी वाली इलायची थोड़ी सी खोल के डाल दी है, उनको भी अच्छे से 1/2 सेकंड के लिए हम पका लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच क्रश किया हुआ गार्लिक ऐड कर दिया। गार्लिक नहीं खाते अगर आप तो आप हींग ऐड कर सकते हैं, करीब 1/4 टीस्पून। अब आपको गार्लिक को हल्का सा पका लेना है करीब 1/2 मिनट। उसके बाद 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। मीठे नीम के पत्ते मुट्ठी भर ऐड कर देंगे, मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, और साथ ही में मुट्ठी भर मिंट लीफ पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे, और 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक के पेस्ट की जगह जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 कप हमने बारीक कटी हुई मेथी ऐड कर दी है। मेथी को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद बारीक काट के ऐड कर लीजिए। मेथी डालकर थोड़ा सा ऑयल में भून लीजिए मेथी को, और उसके बाद इसमें 1 पूरा आलू हमने बारीक काट के बड़ा वाला आलू डाल दिया। आलू को छिलका उतार के भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, और 1 कप मैंने इसके अंदर मटर डाल दिया है। आप चाहें तो आलू फ्राई करके भी कुकर में ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है आलू का। और थोड़ा सा देखिए आलू मटर हमने मिक्स कर लिए हैं आपस में, और साथ में नमक डाल दिया 1 चम्मच के आसपास। उसके बाद इसके अंदर फ्राइड चिली और गार्लिक पाउडर हमने ऐड कर दिया। वड़ा पाव की जो चटनी होती है इसमें आप नॉर्मल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह, और हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर ऐड किया है इसके अंदर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया है, और उसे भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे। 2 कप पानी मैंने 1 कप राइस के हिसाब से ऐड किया है, 1:2 के रेशियो में। पानी में पहले अच्छा सा बॉईल आने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तो देखिए पानी के अंदर बॉईल आ गया है। 1 कप राइस जिसे 3 से 4 बार पानी से धोने के बाद 15 मिनट मैंने भिगा के रखा पानी के अंदर। उसके बाद उसका पानी जो था जिसमें भिगाया था वो निकाल के फेंक दिया, और केवल राइस ऐड कर दिया। अब राइस को जो पानी में हम ऐड कर देते हैं उसके बाद भी हमें बॉईल आने का वेट करना होता है। तो देखिए राइस ऐड करने के बाद पानी में वेट करेंगे, जब अच्छे से पानी करीब 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल हो जाएगा। 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगाया है। 2 सीटी लेनी है मुझे मीडियम वाले बर्नर पे, सेकंड वाला जो बर्नर होता है उस पर 2 सीटी लेने के बाद अच्छे से प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे। हम अपने हाथ से प्रेशर को रिलीज़ नहीं करेंगे। जब कुकर का प्रेशर एकदम रिलीज़ हो गया, कुकर का ढक्कन खोल के देखिए राइस एकदम खिला खिला और बहुत ही परफेक्ट बना है। हल्के हाथ से कॉर्नर से देखिए, कोई बड़ी सी करछी लेके नीचे से एकदम पैंदे से राइस को आप हिला लीजिए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के देसी घी का ऐड करेंगे, क्योंकि राइस को कभी भी घी के बिना नहीं खाया जाता है। उसे अगर आपको अच्छे से पचाना है तो घी ऐड करना राइस में, दाल में, बहुत ही ज़रूरी होता है, हेल्दी होता है और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और आप अब राइस को गर्मा गर्म इन्जॉय करिए। किसी भी दाल के साथ, रायते के साथ
या फिर कढ़ी के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। कढ़ी के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बूंदी वाले रायते के साथ आप इसे सर्व करिए, या फिर अचार या पापड़ के साथ आप इसे खा सकते हैं, या फिर किसी भी सब्ज़ी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो जो ये मेथी पुलाव है, मेथी का सीज़न है, मेथी पुलाव बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, घर में बनाइए। और अगर टेस्ट अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल की ग्रोथ के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू। पत्ता गोभी की सब्ज़ी खाने में इतनी टेस्टी लगती है अगर आप उसे बनाएंगे कुछ अलग तरीके से। तो चलिए देखते हैं हलवाइयों वाले स्टाइल में बनने वाली पत्ता गोभी की ईजी रेसिपी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए 3 कप श्रेडेड कैबेज लिया है हमने पत्ता गोभी, और 2 मीडियम साइज़ के आलू एकदम छोटे कटे हुए। साथ ही में हमने फ्रोज़न मटर, उबले हुए मटर 1/2 कप लिए हैं। अब कढ़ाई में हमने 3 टेबलस्पून सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल को धुआँ आने तक गर्म कर लेना है। सरसों के तेल की सुगंध को कम करने के लिए हमने चुटकी भर नमक डाला है। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में, साथ ही में चुटकी भर हींग डाला है। इससे जो ऑयल की महक होती है वो खाने में बिल्कुल नहीं आती, ऑयल अच्छे से पक जाता है। तो चलिए, ऑयल फाड़ने के बाद इसमें हमने 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा को अच्छे से तड़कने देंगे। ड्राई चिलीज डाल दिए तोड़कर 1 से 2, और 1 चम्मच क्रश किया हुआ होल गरम मसाला, जो गरम मसाला साबुत होता है, उसको हमने दरज के इसमें डाल दिया है। साथ ही में इसमें 2 हरी मिर्चें स्लिट करके डाल दी हैं। अदरक कसा हुआ डाल दिया है 1 चम्मच, और मुट्ठी भर हमने बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है तेल को थोड़ा ठंडा करने के लिए। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल के अच्छे से 1 मिनट के लिए अदरक को और हरी मिर्ची और धनिया को भून लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, और साथ ही में हमने डाला 1/4 टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर का, और इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर का, और 1/2 चम्मच डाला पाव भाजी मसाला। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इससे, 1/4 टीस्पून गरम मसाले का। और साथ ही में 1/2 चम्मच डाला चाट मसाला पाउडर। मसाले डालने के बाद 1/2 कप हमने कुक टमाटो प्यूरी डाली है, जो मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि घर में टमाटर को उबाल के स्किन निकाल के मैंने कैसे बनाई है। चलिए, अब इसमें 1 चॉप टमाटो डाल दिया है हमने बारीक कटा हुआ टमाटर, और साथ ही में इन सारे मसालों को अब हम मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच पे 5 मिनट तक कंटिन्यूसली हमको मसालों को मिक्स कर, रिलीज होने तक आप मसालों को पका लीजिए तेज आंच पे। उसके बाद जो हमने सब्जियां धो के रखी थी, पत्ता गोभी, आलू और मटर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी की सारी सब्जियां इसमें ऐड करके थोड़ी देर के लिए सब्जियों को ना करीब 5 मिनट तक दम देंगे। उसके लिए 1/2 कप हम पानी डाल देंगे, जिससे कि पानी की भाप से पत्ता गोभी अच्छे से पक जाए। चलिए, ढक के करीब 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देते हैं। डिपेंड करता है आपकी पत्ता गोभी कितनी फ्रेश है, कितनी ताज़ा है, उस हिसाब से आपको पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अब 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल के अच्छे से पत्ता गोभी को देखिए मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। हल्की सी नरम हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी सी देर और पकाएंगे अच्छे से आलू को गलने तक। अब इसमें 1 मैंने चॉप करा हुआ टमाटर एकदम बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दिया है। इससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आप घर में बनाइए। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा मैं इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी के अंदर। मिक्स कर लेंगे धनिया डालने के बाद, और फिर से सब्ज़ी को हम ढक के स्लो आंच पे, एकदम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे करीब 10 मिनट तक, आलू एकदम नरम होने तक। तो देखिए, 10 मिनट के बाद खोल के देख रहे हैं, सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, और बिल्कुल जैसा टेस्ट आपको इस सब्ज़ी का घर पे आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से सरसों के तेल में, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे सब्ज़ी को घर में ट्राई करिए। बारीक कोरिएंडर, धनिया के पत्ती डाल के गार्निश करिए, और सब्ज़ी को गर्मा गर्म सर्व करिए। त्योहारों में आप पत्ता गोभी को बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं, नॉर्मली डेली रूटीन में भी बना सकते हैं। ये देखिए, पत्ता गोभी इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आप इस सब्ज़ी के पक्का दीवाने हो जाएंगे। तो इसी तरीके से घर में ट्राई करिए, और मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिए।